पाकिस्तान से तुर्की के लिए बराह रास्त प्रवादों का आगाज़ PIA ने तुर्की के लिए बराह रास्त प्रवादे चलाने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने तुर्की के लिए बराह रास्त प्रवादें दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। कौमी एयरलाइन मई के वस्त से एक हफ्ते में 3 बार लाहौर और इस्लामाबाद से तुर्की के शहर इस्तंबुल के लिए बराह रास्त प्रवादें चलाने का इरादा रखती है और इसके हवाले से ऐलान भी कर दिया गया है। PIA ने कई साल कबल इस रूट पर प्रवादें चलाना बंद कर दी थी। लाहौर और इस्लामाबाद से तुर्की के लिए प्रवादें अब दोबारा शुरू की जा रही हैं और इस तरह का फैसला करने का मकसद यह था कि कौमी एयरलाइन जो कि पहले से नुकसान में है, इस कौमी इदारे में मज़ीद आमदनी होगी और इस आमदनी को इस इदारे की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि ऑपरेशनल लागत में कमी लाने की कोशिश का एक तरीका है। वादे रहे कि वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने गुज़िश्ता हफ्ते इस्लामाबाद में तुर्की के सफ़ीर एहसान मुस्तफ़ा यर्दगोल से मुलाकात की और हवाबाजी समेत दीगर शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान दोनों फ्रीगैन ने पाकिस्तान और तुर्की के मबैन तवील और मुद्दत भाईचारे और ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत पर जोर दिया। इससे कबल पाकिस्तान तेहरान और इस्तंबुल के मबैन एक ITI ट्रेन प्रोजेक्ट का मनसूबे का आगाज किया गया है, जिसकी पहली ट्रेन बहुत जल्द पाकिस्तान से रवाना होगी। इस ट्रेन के किराए के हवाले से तुर्क हुकाम ने पाकिस्तान से ये गुजारिश की थी कि पाकिस्तान इसके 1900 रुपये फी किलोमीटर के फिक्स किराए को कुछ कम कर दे और वजन और सफर के मुताबिक किराए का मुतय्यन किया जाए, जिस पर पाकिस्तानी हुकाम ने तुर्क हुकाम को यकीन दहानी करवाई कि इस हवाले से पाकिस्तान इस पर नजरसानी करेगा। पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के मबैन ये कार्गो ट्रेन सर्विस शुरू की जा रही है, जिसको ITI का नाम दिया जा रहा है। ट्रेन इस्लामाबाद से तेहरान और तेहरान से तुर्की के शहर इस्तंबुल में जाएगी।